Hey guys, what's up? My name is Ayushkan and you're watching Out on Ayushkan Classes. So, aaj results aaye hamare CA Foundation aur CA Final ke. Okay, aap jaise titles pad sakte hain aaj ka video kis purpose ke liye ki CA Foundation ke matlab hum log kya kare. Main aapko pura process batana chahta बताने लगा हूँ और ये भी बताऊंगा कि कौन से कोचिंग क्या कौन से सब्जेक्ट के लिए फेस टू फेस या कौन से सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट के लिए नहीं लेनी चाहिए कोचिंग. चलिए शुरू करते हैं. देखो, सी ए फाउंडेशन के बाद आपका नेक्स्ट जो सी ए का स्टेज आता है वो होता है सी ए इंटरमीडिएट. तो बात क्या है सी इंटरमीडिएट में, सी ए इंटरमीडिएट के हमारे दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू. ठीक है, ग्रुप वन और ग्रुप टू. टोटल इंटरमीडिएट में हमारे एट सब्जेक्ट्स होते हैं, एट सब्जेक्ट्स. ठीक है, फोर सब्जेक्ट्स इसमें और फोर सब्जेक्ट्स ग्रुप टू में. अब सब्जेक्ट कौन से हैं हमारे पास, ये देखिए. पेपर नंबर वन हमारा आता है अकाउंटिंग का. अकाउंटिंग पेपर नंबर टू होता है हमारा लॉ, सॉरी नॉट लॉ, इट्स कॉर्पोरेट लॉ. कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉस. ओके, अदर लॉस. फोर्थ पेपर हमारा आता है कॉस्टिंग, सॉरी नॉट फोर्थ, थर्ड पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग. एंड फोर्थ पेपर हमारा आता है टैक्सेशन का. अब टैक्स में क्या है हमारे पास, दो सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एंड जीएसटी. इनकम टैक्स हमारा 60 मार्क्स का और जीएसटी हमारी 40 मार्क्स की है. ओके, सेकंड ग्रुप में हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन से हैं. इंटरमीडिएट में हमारे पास दो सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग के ही हैं, बस दो सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग के ही हैं. पेपर नंबर फाइव या ग्रुप टू का पहला पेपर हमारा होता है एडवांस्ड अकाउंटिंग. पेपर नंबर सिक्स होता हमारा ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस. ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, ये बात पेपर नंबर सिक्स या पेपर नंबर टू ग्रुप टू का. पेपर नंबर थ्री ग्रुप टू का आता है हमारा ई आई एस एस एम. इसका फुल फॉर्म है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, डेट इज ई आई एस हमारा आता है 50 मार्क्स का और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आता है हमारी 40 मार्क्स की. ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारी 50 मार्क्स की. ई आई एस ये एक तरह के दो सब्जेक्ट्स हैं 50-50 मार्क्स के, ये एक आपस में इन दो सब्जेक्ट का कोई लेना देना है ही नहीं. अब इंस्टीट्यूट ने ये एक सब्जेक्ट में क्यों डाल दिए, वैसे उनके पास कोई कुछ और ऑप्शन ही थी इसलिए. फिर लास्ट पेपर हमारा ऐसे होता है हमारा पेपर नंबर एट या ग्रुप टू का पेपर नंबर फोर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस. ओके, ओके, आई होप ये आपने कहीं पे रफ में नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं की तो फिर थोड़ा पॉज करके नोट कर देना. अब इधर पेपर पैटर्न हमारे क्या रहने लगे. सबसे पहले मैं अगर कोचिंग की बात करूँ, इससे पहले कोचिंग की अगर बात करूँ तो मेरे हिसाब से आपको जो कंपलसरी कोचिंग है वो एक कॉस्टिंग की लेनी चाहिए. ओके, एक कॉस्टिंग की, एक टैक्सेशन की. टैक्स की तो मैं आपको कहता हूँ पक्का ही लो,
ठीक है, क्यों? क्योंकि टैक्स के इतने प्रोविजंस हैं और आपके लिए नया सब्जेक्ट है, आपने कभी ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, इसलिए एक टैक्स के लिए एडवांस अकाउंटिंग के लिए हाँ लेनी चाहिए कोचिंग। क्यों? क्योंकि इसमें एडवांस अकाउंटिंग में जब न्यू कोर्स आया था 1 जुलाई 2017 को, तो एडवांस अकाउंटिंग में इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल का थोड़ा सिलेबस उठा के डाल दिया, ठीक है। जो मतलब आप अभी अभी फाउंडेशन से पढ़ के आए हो, फिर जिसका क्या हो सकता है कि आप कोप अप ना कर सको। ऑल्टिंग एंड एश्योरेंस, ऑल्टिंग एंड एश्योरेंस इसके लिए भी कोचिंग लेनी चाहिए। इसलिए भी कोचिंग लेनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा सब्जेक्ट है, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर ये कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया तो फिर इसको फर्स्ट थिंग लर्न करना इजी रहेगा, और सेकंड थिंग आप इसका एग्जाम पेपर भी बहुत अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकोगे, ठीक है। ऑल्टिंग वैसा सब्जेक्ट है। अगर अगर आप उस टीचर के पास जाते हो कि जो बस बैठ के रट्टा लगवाता है, रिवीजन कराई जाता है आधा घंटा का उस क्लास में, फिर कोई फायदा नहीं है, उसी से आप खुद ही बैठ के रट्टा मार लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट ई एस एस एम के लिए मेरे ख्याल से कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो हर कोई पढ़ा रहा है, 10 में से 6 या 7 टीचर्स तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बस पढ़ा रहे हैं। ईआईएस बहुत कम टीचर पढ़ा रहे हैं, जिस करके वो लोग अपनी फीस भी बार बार 13,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और ये वैसा सब्जेक्ट है कि कोई जॉब मत जाके समझाते हैं आपको, बैठ के खुद ही रट्टा लगाना पड़ेगा इस सब्जेक्ट का, ठीक है। इसको खुद ही बैठ के रट्टा लगाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। ईआईएस में थोड़ा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 5 चैप्टर कुछ 500 पेज के करीब है, 300-400 पेज के करीब है ईआईएस, और बहुत टेक्निकल सा, कंप्यूटर्स के रिलेटेड है ईआईएस, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फिर भी थोड़ी बहुत मैनेज हो जाती है, बट ईआईएस नहीं मैनेज होती, वो आप खुद ही बैठ के लर्न करनी पड़ेगी। फिर लास्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस। मोस्टली स्टूडेंट्स से फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हो जाती है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हो जाती है, वो आपके ऊपर, आपने कोचिंग लेनी है लोन नहीं लेनी तो मैनेज तो हो ही जाएगा। ये मेन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में, कि बैठ के इसकी थ्योरी लर्न नहीं हो पाती, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि किसी टीचर से आप कोचिंग ले लो, इस ये ऑनलाइन भी लोगे पेन ड्राइव भी लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमको फेस टू फेस में जाना चाहिए या ऑनलाइन में जाना चाहिए, सबसे पहली बात मैं आपको प्रेफर करूंगा। देखो अगर आप कॉलेज भी जा रहे हो साथ साथ ही साथ, तो उसमें आपको कहूंगा कि आप ऑनलाइन ही लो, ठीक है। अगर आप नहीं जा रहे अपने कॉलेज, तो फिर तो आप फेस टू फेस लगा सकते हो। कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉस के लिए खुद सेल्फ स्टडी से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं है इसका, हो जाएगा, ये खुद मैनेजेबल सब्जेक्ट है। इसके बाद अकाउंटिंग, अकाउंटिंग भी मैनेजेबल है, ठीक है, अकाउंटिंग भी मैनेजेबल है कुछ टॉपिक्स को छोड़ के, ठीक है। तो ये मैनेज हो जाएंगे। अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्यों बोला कि इसको उसकी जरूरत है कोचिंग के लिए, क्यों? क्योंकि ये 80 to 90% वो फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है, जो हो सकता है कि आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से अगर आप सेल्फ स्टडी करने बैठे हो, तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो इसके लिए आप कोई टीचर हो जो आपको समझाते हैं एक एक फॉर्मूला, वो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो ठीक है। अब देखिए अगर पेपर पैटर्न की हम लोग बात करें, तो अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग का तो सेम रहने वाला है। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ये हमारा होता है कंपल्सरी क्वेश्चन, मतलब ये आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। आप भी अगर अटेम्प्ट नहीं करते, एक सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है,
अगर भी अटेम्प्ट नहीं करते तो फिर आपके मार्क्स नहीं गिने जाएंगे, मतलब इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आपको क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 आपको मिलेंगे, सबके सब 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सबके अंदर सब पार्ट्स हैं, ओके, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन में आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6 होएगा वो भी हमारा 50% अकाउंटिंग साइंस बेस्ड ही होएगा, ओके, जो 6 क्वेश्चन आएगा अकाउंटिंग साइंस बेस्ड ही होगा हमारा 6 क्वेश्चन। आपको बाकी 5 में से कोई 4 करने हैं, डेट इज अगर आप क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 सारे कर लेते हो और क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ देते हो, तो फिर तब आपको कहेगा कि आपको मान लेगा कि आपने 80 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया, ठीक है। वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो इतना नोटिस ना करे, बहुत एक्सेप्शनल केसेस में, बट हाँ 99.99% में यही है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। ये हो गई हमारी अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स की बात। फिर सेकंड आता है हम लोग लॉ की। लॉ में जो आपका कॉर्पोरेट लॉ है वो आपको होगा 60 मार्क्स, और अदर लॉज होगा आपका 40 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। अब इसमें से क्या है, 30% आपके एमसीक्यूज होंगे इसके, दैट इज 30 मार्क्स से सारे कंपलसरी एमसीक्यूज, जो कि होएगा प्योर ओएमआर बेस्ड पेपर, ठीक है। इसमें 25 एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें 2 मार्क्स के भी होंगे 1 मार्क के भी होंगे। बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो तो आपके, अगर आप कोचिंग लेते हो या अगर आप मॉक टेस्ट पेपर्स देखते हो इंस्टीट्यूट के, तो उससे आपको पता लग जाएगा। फिर बात आती है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। देखिए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, सेम एज पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 5, कंपलसरी 20 मार्क्स। बट इसमें है कि इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई नहीं है। क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 5, अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 5 एक होगा और क्वेश्चन 6 सब 20 मार्क्स के पेपर हैं, सब 20 मार्क्स के हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आपको वही इसमें से कोई एक एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इधर चीज क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूरा थ्योरी क्वेश्चन होगा, फुल थ्योरी क्वेश्चन, 5 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, और सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स 4 क्वेश्चंस, सेम हमारा अकाउंट्स के पेपर में, ठीक है। और बाकी सब जो पेपर है वो अभी तक तो सब कुछ मतलब न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल सब अलग अलग बोलते हैं, प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल, ठीक है। बाकी सब पेपर क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरी पे है। बाकी आपको बताऊं तो अभी रिसेंटली सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़े सब्जेक्ट्स डिलीट हुए हैं सिलेबस से, तो मॉक टेस्ट पेपर की वेट कर लो, हो सकता है थोड़ा उसमें इसके पेपर पैटर्न में चेंजेस आ जाए, ठीक है। अब टैक्सेशन की अगर हम लोग बात करें, टैक्सेशन का आपका इनकम टैक्स होएगा 60 मार्क्स का, जीएसटी होगा आपका 40 मार्क्स का, ठीक है, 100 मार्क्स। अब इसका 30%, इसमें भी टोटल 30% एमसीक्यूज हैं सारे थ्योरी पेपर्स में, दैट इज ऑडिटिंग, ईएसएम, टैक्सेशन एंड लॉ, ये 4 सब्जेक्ट्स में हमारे 30% एमसीक्यूज हैं, ठीक है। मतलब इनकम टैक्स में 18 मार्क्स के और जीएसटी में 12 मार्क्स के एमसीक्यूज, ठीक है, तो टोटल 30 मार्क्स हो गए। अब इसका क्या है, इसका पेपर पैटर्न अगर हम लोग डिस्कस करें टैक्सेशन का, सबसे पहले इनकम टैक्स। देखिए इनकम टैक्स का हमारा ऐसा रहेगा, 2 डिविजन होंगी, डिविजन ए
सारे एमसीक्यूज 18 मार्क्स के, ठीक है। डिवीजन बी, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होएगा, जो कि हमारा 14 मार्क्स का, ठीक है। अगर हम लोग पिछले पैटर्न से बात करें, मतलब नवंबर 18 तक की बात करें, तो फिर तब इनकम टैक्स के या पूरे टैक्सेशन के 10-10 नंबर के क्वेश्चन होते थे, एमसीक्यू से आ गए, जिस करके आपको क्वेश्चन सारे 14-14 मार्क्स के हो गए इनकम टैक्स के और जीएसटी के, ठीक है। कितने हो गए, 18 प्लस 14, 32 मार्क्स के डन। अब बाकी रह गए 28 मार्क्स है इसमें, तो डेट इज क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 4 आपको 14 मार्क्स होंगे। इसमें से आपको कोई दो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसमें से कोई दो आपको अटेम्प्ट करने हैं, जीएसटी डिवीजन ए 12 मार्क्स, एमसीक्यूज डिवीजन बी, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा 14 मार्क्स का, और क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 3 इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई एक इसमें से और कोई दो इसमें से, ठीक है। आप कैलकुलेट चेक कर लो, 14 14 28, 28 प्लस 12 40, 40 प्लस 28, 40 प्लस 28 68, 68 प्लस 32, 100 मार्क्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट थिंग, ऑडिटिंग का क्या हमारा रेखा पेपर पैटर्न? ऑडिटिंग का सबसे अच्छा पेपर पैटर्न है इंटरमीडिएट और आईपीसीसी में, वो क्या है, डिवीजन ए 30 मार्क्स के एमसीक्यूज ने डायरेक्ट, ठीक है। डिवीजन बी 30 मार्क्स है, डिवीजन बी में अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका कंपलसरी, ये नोट कर लेना, क्योंकि ये 14 मार्क्स का। अब इनमें अलग अलग क्यों लिखे, ये आपका सारा होगा ट्रू फॉल्स, टोटल इसमें आपको 8 ट्रू फॉल्स मिलेंगे, 8 क्वेश्चंस मिलेंगे दो दो नंबर के, जिसमें से आपको बस अटेम्प्ट यानी 7, जिसमें आपको बस 7 अटेम्प्ट करना पड़ेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन में छोड़ देना, फिर आपका क्वेश्चन 2 से शुरू होगा सिर्फ 14 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आई थिंक ये जाएगा आपका 6, ये मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से 6 या 7 क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक होते हैं 14 मार्क्स के सारे, ठीक है। इसमें से आपको एक ऑप्शन मिलेगी, वो आप देख लेना। ओके, ऑडिटिंग डन। ईएसएसएम वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ इन सीए, ईएसएसएम देखिए, ये 50 मार्क्स, ये 50 मार्क्स, तो इसका मतलब एमसीक्यू इसमें होंगे 15 मार्क्स के और इसमें होंगे 15 मार्क्स के, ठीक है। तो फिर बाकी सारा आपका 35 मार्क्स का इधर सब्जेक्टिव होगा, 35 मार्क्स का इधर एफएमई को, एफएम आपकी है 60 मार्क्स और ये है 40 मार्क्स। अब इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई इसमें ऐसे एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो कंपलसरी है 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 6 सारे 10-10 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 6 इसमें थियरी होगा और एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन है, ठीक है। तो और इसमें टोटल आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे 10-10 मार्क्स के, मतलब आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1
as usual compulsory और बाकी सारे ऑप्शन. ओके अब कोचिंग 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 देखिए, जो आपका पेपर नंबर वन है, पेपर वन, पेपर फोर और पेपर फाइव, ये तीन पेपर्स मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, ये तीन पेपर्स मैं पढ़ा रहा हूँ. अब कन्वीनियंस आपके कि आपको हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए. ठीक है, जो भी आपको चाहिएंगे आपको मैं गूगल ड्राइव के थ्रू ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, आपकी ईमेल आईडी पे आपने मुझे बस टेलीग्राम पे कनेक्ट होना है. मैं टेलीग्राम का अपना दे देता हूँ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, आप उधर जाके मुझे मैसेज कर दो. ठीक है, मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा. और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जिन जिन सब्जेक्ट्स की आपको कोचिंग चाहिए, मैं ऐसे टीचर्स का नाम तो ही लूँगा, बट हाँ आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको मैसेज सारा दे दूँगा. फिर कौन से कौन, अगर आपको रेफर करनी कोई टीचर, कोई किसी टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको रेफर करने हैं तो वो मैं, तो वो भी आपको मैं बता दूँगा. ठीक है, ये एक चीज़ हो गई. दूसरी चीज़, अब आपका मई 2020 में एग्जाम्स आए हैं, मई 2020. अब आप थोड़े कंफ्यूज हो गए कि हम सिंगल ग्रुप थे कि बोथ ग्रुप्स थे. ठीक है, सिंगल ग्रुप थे या बोथ ग्रुप्स थे. देखो अब आज हो गई हमारी 13th अगस्त, या 13th अगस्त को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. आप खुद देखो 13th अगस्त, मतलब हाफ ऑफ द अगस्त हमारा चला गया और एक महीना हम लोग लेट हो गए. अगर आप कर सकते हो, अगर ऑनलाइन, अगर आप सब्सिडी पे थोड़ा ज़्यादा जोर दें, अगर आप कर सकते हो तो यू कैन गो फॉर बोथ ग्रुप्स. देखो हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती है कि वो सिंगल ग्रुप अटेम्प्ट करें या बोथ ग्रुप्स. ठीक है, बोथ ग्रुप्स तभी अब करना अगर जब आप हर चीज सैक्रिफाइस कर सको, ठीक है, अपने दोस्तों से दूर रह सको, ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें आप सिलेबस जितना मर्जी कर कंप्लीट करने की कोशिश कर लेना, आप जब अगली रिवीजन शुरू करोगे आपको कुछ ना कुछ नया पढ़ने को हमेशा मिलेगा, हमेशा. ठीक है, सिलेबस ह्यूज है, पढ़ना पूरा पड़ेगा बहुत कुछ के लिए. पर हाँ, अगर आप सिंगल ग्रुप देते हैं, जैसे सिंगल ग्रुप, तो हाँ आप थोड़ा बहुत मतलब टाइम पेस कर सकते हैं. बट आखिरी के सिंगल ग्रुप में भी 3 मंथ्स जो सेल्फ स्टडी बैठ के करनी है वो उसमें आप टाइम नहीं वेस्ट कर सकते आखिरी के 3 मंथ्स. ठीक है, क्योंकि उसमें रिविजन्स चलनी है आपकी और मॉक टेस्ट करने हैं. आप सम्स, आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में सम्स हज़ारों कर दो, फायदा कुछ नहीं है उसका. बट जब तक आप मॉक टेस्ट ना दोगे तब तक आप नहीं कुछ भी कर सकते. ठीक है, आप तब पेपर नहीं अटेम्प्ट कर सकते. सेकंड थिंग, प्रेफर क्या है? देखो अगर आप, आपके अंदर विल पावर है, पेशेंस है, तो फिर तो आप बहुत कुछ हो. अगर आप कहते हो कि नहीं मैं बीच में टाइम पास भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर लूँगा, मुझे डिस्टर्बेंस बहुत है, तो आप सिंगल ग्रुप के लिए जाओ. बट मेरी मानो तो आपको बहुत कुछ कर जाना चाहिए. देखिए क्यों. सबसे पहली बात, अगर हम लोग इससे पहले अगर मार्क्स की बात, मतलब पासिंग मार्क्स की बात करें, तो फिर पर सब्जेक्ट आपको 40 मार्क्स चाहिए
50% आपको एग्रीगेट चाहिए, दैट इज अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो, सिंगल ग्रुप में 400 मार्क्स हैं टोटल, तो उसमें से आपको 200 नंबर चाहिए पास होने के लिए, जिसमें हर सब्जेक्ट 40 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए, 60 मार्क्स पे आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। एग्जेम्पशन का क्या, अब क्या चक्कर है, देखो 60 मार्क्स का आपको ये है कि अगर बाय चांस किसी सब्जेक्ट में आप 39 से कम में रह जाते हो, या आप एग्रीगेट में रह जाते हो और आपका किसी एक या दो सब्जेक्ट्स में 60 एंड अबव बनना है, तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो 60 वाला पेपर नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा 60 मार्क्स वाला, 60 एंड अबव, ठीक है। अब इधर बात सुनो, इधर क्या होता है कई बार कि लेट्स से ग्रुप वन, अगर बोथ ग्रुप चलते हो, ग्रुप वन और ग्रुप टू, टोटल आपको चाहिए 400 मार्क्स पास होने के लिए आउट ऑफ 800, ठीक है। अगर बाय चांस आपके ग्रुप वन में 210 मार्क्स आ जाता है, 210 मार्क्स, ठीक है, और पर सब्जेक्ट आपके 40 अबव भी बन रहे, और ग्रुप टू में आपके बाय चांस बन जाते हैं 190 मार्क्स, और पर सब्जेक्ट आपके 40 मार्क्स का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो उस केस में आप अगर इसको टोटल देखो तो 400 मार्क्स ही बनता है, जिसका कि आप पास हो जाते हो। देखो मैं दो कारण बता रहा हूँ कि बहुत कुछ के लिए क्यों जाना चाहिए। देखिए एक तो कारण ये हो गया सेट ऑफ, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ, दूसरा आपका हो गया कारण जो ग्रुप टू है ना हमारा, उसमें दो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, दो बड़े थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, एक क्वाड्रेट और एक क्वेश्चन, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए 240 मार्क्स के आपकी थ्योरी है इकोनॉमिक्स, ऑडिट और ईएसएसएम, 240 मार्क्स की थ्योरी आउट ऑफ 400, जो कि ग्रुप खींचना बहुत मुश्किल कर देती है, ठीक है, जो कि ग्रुप खींचना बहुत मुश्किल कर देती है। ओके सो मैं आपको तो यही कहूँगा कि अगर जाना तो बहुत मुश्किल जाओ, चाहे एक अटेम्प्ट आप स्किप भी कर दो, मई 2020 का आप चाहे फॉर्म ना भरो, आप सीधा नवंबर 2020 का फॉर्म भरो, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली अगस्त या सितंबर में खुलते हैं फॉर्म्स, नवंबर 20 का आपको फॉर्म भरो, आराम से 8 के 8 पेपर बैठ के दो, ठीक है। तो और भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ अपने कि आप मुझे टेलीग्राम पे काम पे कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम जिससे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और चीज़ और एक और चीज़, मैं जो ये तीन पेपर्स पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, देखो डाउट्स ये तो हर कोई करता है, ऑब्वियसली बात है डाउट्स तो आते ही आते हैं, एक डाउट्स आ गया हमारे, एक आपको टोटल 3 बुक्स मिलेंगी, जिसमें से एक आपकी होगी अकाउंट्स की, एक होगी एडवांस अकाउंट्स की, एक होगी एडवांस अकाउंट्स की, और एक होगी आपकी टैक्स की एमसीक्यू बुक, ठीक है, और ये सब कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, फिजिकल हार्ड कॉपी नहीं मिलने वाली। ओके हार्ड कॉपी आप कब क्लासेस शुरू करेंगे, कब मैं आपको मेल करूंगा, कब मैं आपको भेजूंगा आपकी बुक, ठीक है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेजूंगा, चाहे आप मुझे अभी मैसेज करके कल क्लासेस शुरू करा लें, ठीक है, गाइडेंस मिलेगी कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, रेगुलर गाइडेंस, सबसे जरूरी चीज पर चैप्टर 2-3 टेस्ट रहेंगे
पर चैप्टर एटलीस्ट टू टेस्ट, ठीक है, और पर सब्जेक्ट, इन तीन सब्जेक्ट्स का पर सब्जेक्ट टू फुल सिलेबस टेस्ट, सिलेबस टेस्ट। और आपको मैं बता दूँ इतनी चीज़ें कोई नहीं दे रहा, टेस्ट चैप्टर वाइज और पर सब्जेक्ट टेस्ट कोई नहीं दे रहा। आप कोई भी कोचिंग उठा के चले जाओ कोई नहीं देगा, कोई तो आपको देखेगा भी नहीं कि आप स्टूडेंट हो या नहीं हो, अपा हो क्लासेस लगाओ जाओ, किसी को कोई लेना देना नहीं है। बट मुझे है कि मैं पूरा एंड तक देखूंगा, इवन आफ्टर आपके एग्जाम्स, आपके रिजल्ट्स तक ये क्लासेस आपको मिलती जाएंगी, अगर बाय चांस अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। ओके, मैंने आपको अपने बताइए, अब डिसीजन आपका है, ठीक है। मैं आपको सारे रेट्स वगैरह बता दूंगा, फीस स्ट्रक्चर कैसे पे करनी है, कितनी फीस रहेगी। ओके, सो थैंक यू बड़ी, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।